फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट आई हूँ तो सोचा थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लूँ। आ गई हूँ मैं यहाँ डीमार्ट में। वैसे तो सबको पता ही होगा कि डीमार्ट में किफायती दामों पर ग्रोसरी बेची जाती है। चलिए मैं तो अंदर पहुँच गई। कॉर्नफ्लेक्स लू या फिर ओट्स? ऑलिव ऑयल में बड़ा बॉटल लू या छोटा? अरे यार, ऑलिव ऑयल तो बड़ा महंगा है। कैंसल, आगे बढ़ते हैं। सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट, अब ये लू या फिर नॉर्मल? वैसे तो मैं टाटा नमक ही यूज करती हूँ। दोस्तों मेरे साथ आगे आइए। यहाँ से तो मैं रेगुलर ग्राउंडनट ऑयल ही ले लेती हूँ, पूरा 5 लीटर का। घूमते घूमते मैं पहुँच गई हूँ नूडल सेक्शन पे। वैसे तो मैं मैगी का येलो पैकेट लेती हूँ, लेकिन ये रेड पैकेट किसका है? डॉक्टर मन, ले लिया। झाड़ू भी तो लेना है। टॉयलेट क्लीनर, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये तो सबकी चॉइस है। हार्पिक्स, यहाँ रूम फ्रेशनर है, लेकिन मैं ये सब ट्राई किए हैं, कोई भी इसमें लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं मिलती। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं डीमार्ट काफी बड़ा है। घूमते घूमते जो काम की चीजें नहीं है वही लेना हो जाता है। खुद पर कंट्रोल करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आटा, चावल, दाल, बेसन, चना, मूंग, मटर लेने के बाद मैं ढूंढ रही हूँ क्विनोआ सीड्स। इसे रेगुलरली मैं बॉईल करके ब्रेकफास्ट में सलाद के साथ लेती हूँ। काफी हेल्दी फूड है ये, और तो और यह तो आपको बॉडी वेट कम करने में भी हेल्प करता है। मैं तो यूज नहीं करती, लेकिन घर वालों के लिए ले रही हूँ। दोस्तों काफी घूमते घूमते मैं पहुंच गई हूँ क्लोथिंग सेक्शन में। वैसे तो मैं कोई भी आइटम क्लोथिंग डीमार्ट से नहीं लेती, क्योंकि क्लोथ क्वालिटी मुझे बहुत लो लगती है। लेकिन देख तो सकते हैं। चारों ओर घूमते हुए अब मैं पहुंची हूँ बर्तनों की जगह पर। चॉपर दिख तो ठीक रहा है, लेकिन मैंने तो पहले ही वंडर शेप का ले चुकी हूँ। ये है एल्युमिनियम ब्लैक ऑक्सीडाइज मेटल से बना छोटा गंज, या बोलिए भगोना या पतीला। वाओ, सेंटेड फ्लावर्स एंड हर्ब्स फॉर फ्रेग्रेंस। काफी टाइम हो गया है पर मैं लगी पड़ी हूँ सभी चीजों को देखने में। क्या लू और क्या नहीं समझ में ही नहीं आ रहा। साथ में आप पतिदेव परेशान हो चले हैं, तो अब फटाफट निकलना होगा। लेकिन जैसे ही मैं लेडीज बैग सेक्शन में पहुंची तो मुझे झट से ये बैग पसंद आ गया।
वो मैंने फटाफट मेरे ट्रॉली में रख लिया और जल्दी बिलिंग सेक्शन की ओर। और गाइस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियो का इंतजार कीजिए और आनंद लीजिए। बाय।